अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन आर क्लास। इट्स आर साइंस पीरियड। ये हमारा साइंस का पीरियड है क्लास। जिस तरह मैंने सारे इंट्रोडक्शन और सारी कॉपीज की इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश में दी थी, मैं साइंस में भी दूंगी। आप सबकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कॉपी नंबर 6, ठीक है। इससे पहले हमने इंग्लिश की कॉपी की बात की थी, तो इंग्लिश की कॉपी जो थी हमारी यूज इंग्लिश फॉर कॉपी नंबर 4। अब हम साइंस के लिए कॉपी नंबर 6 यूज करेंगे। इट्स द फ्रंट कवर ऑफ योर कॉपी नंबर 6, दैट विल बी यूज इन साइंस वर्क। ओके, तो आपको इसको अच्छी तरीके से प्लास्टिक कवर से कवर अप करना है। इसके बाद आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये आपका इसका फ्रंट पेज होगा। ओके, लाइनिंग वाले फ्रंट पेज पर आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, ठीक है। अगेन बता रही हूँ, वन लाइन लिख करके आप अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। ओके क्लास, आफ्टर सब्जेक्ट में मतलब नेमिंग कॉलम बनाने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज टर्न करना है। क्लास में आपको ये बताती चलूँ कि जब आप नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे तो आपके पास कॉपी के 2 पेजेस ओपन होंगे, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। साइंस की कॉपी जो होती है आपकी क्लास, वो होती है इंटरलीव कॉपी। इंटरलीव कॉपी कौन सी होती है, जिसका लेफ्ट साइड का पेज प्लेन होता है और राइट साइड का पेज आपका लाइनिंग वाला होता है, ठीक है। क्योंकि साइंस में हमें समटाइम्स किसी क्वेश्चन के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए हमें ड्राइंग बनानी पड़ती है, डायग्राम बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हम एक पेज प्लेन रखते हैं, तो उस इसलिए इस कॉपी को जो साइंस के लिए यूज़ की जाती है उसे हम इंटरलीव कॉपी कहते हैं, ठीक है। लाइनिंग वाले पेज पे आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालनी है। और फर्स्ट टर्म हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, एग्जैक्टली आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मंथ ऑफ जून से। तो आप क्या करेंगे, लाइनिंग वाले पेज पर 2 लाइंस लेफ्ट करेंगे। 2 लाइंस लेफ्ट करने के बाद फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालने के बाद मंथ, देन नेक्स्ट लाइन पे ऑफ और फिर जून। इस तरह हमारी ये टाइटल पेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट टर्म की हेडिंग के साथ और मंथ ऑफ जून की हेडिंग के साथ। अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होगा, हम इसको रखेंगे साइट पर। टेक योर कॉपीज साइट्स, अपनी कॉपीज को साइट पे रखेंगे एंड टेक आउट योर साइंस बुक, ओपन अ पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 5, मटेरियल। दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन आर मंथ ऑफ जून सिलेबस। ये चैप्टर आपके मंथ ऑफ जून सिलेबस में इंक्लूडेड है क्लास, यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 36। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन अ डेट एंड डे ऑन इट, ताकि आपको ये याद रहे कि ये हमने किस तारीख को रीच किया था और एक्सप्लेन किया था। मटेरियल्स, आई होप आप सब अपनी कॉपीज बुक्स पर डेट और डे मेंशन कर चुके होंगे। मटेरियल्स, मटेरियल्स क्या है क्लास, द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल इज, अ मटेरियल इज समथिंग दैट इज यूज टू मेक समथिंग एल्स। मटेरियल वो है जो हम कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब आप समझ लें कि मटेरियल आपका एक तरह का सामान है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू मेक अ डॉल हाउस, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉल के लिए हाउस बनाएं, तो आपको क्या चाहिए होगा, हार्ड बोर्ड चाहिए होगा उसकी टेपिंग करने के लिए या उसको बैंड करने के लिए, उसको चिपकाने के लिए ग्लू या टेप की आपको आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कटिंग करने के लिए, शेप देने के लिए स्केल पेंसिल और सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्केल पेंसिल, सीजर जो है, ग्लू है, टेप है, ये हार्ड बोर्ड, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल हैं, वो सामान है जो जिसके थ्रू आप कोई दूसरी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। अब मटेरियल हमारे पास इस बुक में जो हम रीड कर रहे हैं वो कोई जो है वो सिर्फ 5 टाइप्स के हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स के मटेरियल होते हैं, हर मटेरियल दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होता है, लेकिन हम नॉर्मली यहाँ पर 5 टाइप्स के मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल कैन बी सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट भी हो सकता है। सॉफ्ट मटेरियल कैसे क्लास, कि आप उसको किसी अपने हाथ से उसका कोई भी शेप दे सकते हैं, उसको अपने हाथ से किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, लाइक स्पंज या फोम, ये इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल में आते हैं। मटेरियल कैन बी स्मूथ मटेरियल, आपका स्मूथ भी हो सकता है। स्मूथ मटेरियल
चलने फिरने में, उसके ऊपर हाथ फेरने में किस तरह की कोई रुकावट ना हो, काफ़ी स्लिपी हो, शाइनी हो, उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, स्मूथ कहेंगे। मटेरियल कैन बी रफ, मटेरियल रफ भी होता है। रफ मीन्स आपने देखा है अक्सर चीज़ों के ऊपर खड्डे पड़े हुए होते हैं, कहीं कोई पत्थर निकला होता है, कहीं कोई गड्ढा होता है, फर्श हो गया, ब्रिक्स हो गई, तो इन इन चीज़ों को आप क्या कहेंगे, रफ कहेंगे। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ मटेरियल आपका क्या है, मटेरियल कैन बी हार्ड, मटेरियल सख्त भी हो सकता है, लाइक योर वुड, वुड से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे वुड कितनी सख्त होती है ना, बहुत हार्ड होती है, उसको हम इजीली अपने हाथ से किसी भी शेप में नहीं दे सकते, उसको इजीली कोई फोल्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मटेरियल हार्ड किस्म के भी होते हैं। मटेरियल कैन बी इलास्टिक, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक गर्ल है, उसके हाथ में रबर बैंड है, इलास्टिक मतलब प्लास्टिक की तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप स्ट्रेच कर सकें, लाइक प्लास्टिक हो गया, रबर बैंड हो गया, इसको आप क्या कर सकते हैं, वो इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिनको आप जो है क्या कहते हैं, किसी भी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, टर्न योर पेज क्लास, ओपन द बुक पेज नंबर 37। मटेरियल फॉर बिल्डिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक अ बिल्ड, मैं कुछ भी बनाना चाह रही हूँ, कोई भी चीज़ बनाना चाह रही हूँ, लाइक कोई रूम हो गया, कोई स्टोर हो गया, तो मुझे कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्यों पड़ेगी। ठीक है, आई एम बिल्डिंग अ हाउस, मैं एक छोटा सा हाउस बना रही हूँ, व्हाट डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। आई नीड ब्रिक्स, मुझको सबसे पहले चाहिए होंगी ईंटें, आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा जो ये ईंटें नज़र आ रही हैं। ब्रिक्स आर अ मटेरियल, ब्रिक्स जो है वो मेरे लिए एक किस्म का सामान है, मटेरियल है। मुझे ब्रिक्स की क्यों नीड है, बिल्ड द वॉल्स, वॉल्स बनाने के लिए मुझे ब्रिक्स की नीड है। मैं वॉल्स बनाने के लिए ब्रिक्स को किस तरह से यूज़ करूँगी, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है क्लास ब्रिक्स की, जिसके थ्रू हम उसको अरेंज करते हैं और फिर उसके अंदर सीमेंट होता है ना, सीमेंट उसको डालते हैं ताकि वो ब्रिक्स आपस में एक दूसरे से बैंड हो जाए, जुड़ जाए और मेरी दीवार में मजबूती आ जाए। अब दूसरी चीज़ की मुझे क्या ज़रूरत होगी, आई नीड वुड, मुझे चाहिए होगी लकड़ी, वुड इज़ अ मटेरियल, लकड़ी भी एक सामान है, और इस सामान की मुझे क्यों ज़रूरत है, इसके रूफ बनाने के लिए। अब मैंने रूम तो बना लिया, अब मुझे रूम को सेव करने के लिए रूफ भी तो बनानी है, ताकि कभी बारिश के पानी से, कभी धूप से, कभी मिट्टी वाली हवा से मैं अपने रूम को सेफ कर सकूं, तो इसके लिए मैंने क्या बनाई, रूफ बनाई। अब रूफ छत बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है लकड़ियों की, मैं चाहती हूँ कि मेरी छत लकड़ियों की बने। आई नीड ग्लास, थर्ड थिंग मुझे क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, मीन शीशा चाहिए, ग्लास इज अ मटेरियल, शीशा भी एक मटेरियल है। अब मुझे मटेरियल क्यों चाहिए, मुझे ग्लास इसलिए चाहिए कि अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे रूम में फ्रेश एयर भी आए, सनलाइट भी आए, ताकि थोड़ी वेंटिलेशन रहे, मेरा रूम ठंडा भी रहे और गर्म भी रहे, तो इसके लिए मुझे अपने रूम की वॉल्स में बनानी पड़ेंगी विंडोज़। जब मैं विंडोज़ बनाऊंगी तो उन विंडोज़ को कवर करने के लिए मुझे ग्लास भी चाहिए। टर्न ऑफ द नेक्स्ट पेज क्लास, पेज नंबर 38। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मटेरियल्स वो टूल फॉर बिल्डिंग। अब हमने मटेरियल तो ले लिए सारे, लेकिन टूल्स हमारे क्या काम करते हैं। व्हेन पीपल बिल्ड थिंग्स दे ऑल्सो नीड टूल्स, अगर हम कभी भी कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए जाएंगे तो हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक पता है, याद है आपको जब मैंने आपसे शुरू में बात करी कि अगर मैं डॉल हाउस बनाऊंगी तो मुझे उसके लिए सीज़र चाहिए होगी। सीज़र क्यों चाहिए होगी क्लास, मैंने हार्ड बोर्ड तो ले लिया, दैट इज़ माई मटेरियल, लेकिन उस हार्ड बोर्ड को अपने हिसाब से अपनी मेजर के थ्रू मुझे काटने के लिए, कट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, सीज़र की। तो सीज़र क्या हुआ, मेरा टूल हुआ। उस सीज़र के थ्रू मैं उस हार्ड बोर्ड को अपने हिसाब से कट कर सकती हूँ, उसको कोई भी शेप दे सकती हूँ। द टूल्स आर थिंग दैट हेल्प टू शेप मटेरियल्स एंड पुट देम इन अ राइट प्लेस। तो टूल्स क्या होते हैं, हम उसे उनके थ्रू अपने मटेरियल्स को अच्छी तरीके से शेप दे सकते हैं, जो शेप हमें ज़रूरत है जिसकी, और हम उनको राइट प्लेस में, मतलब
तरीके से जिस जगह पे हमें उसे लगाना है उसके थ्रू हम उसको बैंड भी कर सकते हैं। तो जो पहले टूल की हम बात कर रहे हैं क्लास, वो है दिस इज अ सॉ। एक आरी दिख रहा होगा आपको आपके बुक पर। अब आरी हम क्यों यूज कर रहे हैं? आई कैन यूज अ सॉ टू कट द पीस ऑफ वुड टू द राइट साइज। मैं ये सॉ यूज कर रही हूँ वुड के पीस को कट करने के लिए, और उतने पीस को कट करने के लिए जितने पीस की मुझे नीड है, ठीक है ना। अब मुझे रूफ बनाने के लिए वुड की नीड थी। अब मैं अगर एक पैनल लेकर आई हूँ वुड का, तो मैं उसको फौरन ही थोड़ी छत पे रख दूंगी या अपने दीवारों की वॉल्स पे रख दूंगी कि वो ठीक हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे अपने अपने हिसाब से उसको कट करना पड़ेगा, उसको साइज देना पड़ेगा, उसको शेप देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है? सॉ की ज़रूरत है। टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39। द सेकेंड टूल इज हैमर। अब हैमर की मुझे क्यों ज़रूरत है? अब उसके साथ देखिए नीचे एक नेल बनी हुई है, मतलब एक कील बनी हुई है। अब मैंने आपको बताया था ना कि मुझे रूफ वुड से रूफ बनानी है। अगर मैं मुझे वुड से रूफ बनानी है तो रूफ बनाने के लिए मुझे लकड़ियों को जोड़ना भी तो पड़ेगा। अब जब मुझे लकड़ियों को जोड़ना है तो उस जोड़ने के लिए लकड़ी किससे जुड़ेगी? लकड़ी सॉल्यूशन से तो चिपकेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, देर तक नहीं चिपकी रहेगी, निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने देर तक लॉन्ग लास्टिंग तरीके से लकड़ी को, मतलब वुड को बैंड करने के लिए क्या यूज कर रही हूँ? नेल यूज कर रही हूँ। यू नो ना, वुड इज हार्ड थिंग, आपको पता है वुड एक बहुत हार्ड थिंग होती है। अब मैं उस नेल को लगाने के लिए मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके थ्रू मैं उसको ठोकूँ या उसको टैप करूँ तो वो वुड के अंदर इजिली जो है प्लेस हो जाए, रुक जाए। तो आई यूज द हैमर टू बैंड द नेल इन टू दीज पीसेज ऑफ वुड। आपको यहाँ टू पीसेज नजर आ रहे हैं पिक्चर में। इन पीसेस को बैंड करने के लिए, यानी इन पीसेस को जोड़ने के लिए मैं हैमर यूज करूंगी। और हैमर किसके थ्रू मैं किसको बैंड करूंगी? नेल को। द नेल कीप्स द टू पीसेस ऑफ वुड टुगेदर। नेल क्या करेगा? इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़े रखेगा। थर्ड टूल क्या है बेटा हमारे पास? दिस इज अ ट्रॉवल। थर्ड टूल हमारा क्या है? ट्रॉवल है। ट्रॉवल कहते हैं आम लफ्ज में करनी को। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम वॉल बनाते हैं तो वॉल बनाने के लिए हम ब्रिक्स को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में सेट करते हैं। अब उन ब्रिक्स के दरमियान हम थोड़ी सी जगह रखते हैं। उस जगह को क्यों रखते हैं हम? हमें वहाँ पे उनको बैंड करने के लिए, उनको मजबूती से खड़े रखने के लिए सीमेंट भरना होता है। अब जब सीमेंट हमें भरना होता है तो वो हम ट्रॉवल से भरते हैं। क्या आप ये कह लें कि इट्स अ सीमेंट स्पून? ये एक स्पून टाइप की चीज़ होती है जो बहुत फ्लैट होती है, और सीमेंट को भरने के लिए, सीमेंट को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए यूज़ की जाती है। आई यूज टू ट्रॉवल टू स्प्रेड सीमेंट ऑन द वॉल। मैं इस ट्रॉवल को यूज़ करूँगी सीमेंट को स्प्रेड करने के लिए, जिसके थ्रू मेरी वॉल चिपकी रहेगी। दिस इज़ अ चैप्टर जो हमने आपका रीच किया। इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट यूनिट हम इस चैप्टर का वर्क करेंगे। ओके क्लास।